सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप क्रिक लाइब्रेरी हिंदी की कोई भी नई अपडेट को मिस ना कर पाए। अगर आप भी इनकी तरह अपना फेस्टिवल खराब नहीं करना चाहते और सिर्फ एक गलत क्लिक की वजह से अपने मेहनत की कमाई को नहीं खोना चाहते तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन काफी बढ़ गया है। हम सभी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करना ही पसंद करते हैं और इस महामारी के दौर में भीड़ वाली जगह पर ना जाकर फिलहाल ऑनलाइन शॉपिंग करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और फेस्टिव सीजन में हमें ई कॉमर्स वेबसाइट पर ढेरों ऑफर्स भी मिल जाते हैं और इन्हीं ऑफर्स के चक्कर में हम गलती कर बैठते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट करते वक्त आपको सतर्क रहने की जरूरत होती है क्योंकि आपका एक गलत क्लिक आप पर भारी पड़ सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं ट्विक लाइब्रेरी हिंदी। आज इस वीडियो में हम आपको सेफ ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ टिप्स बताने वाले हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप स्कैम या फ्रॉड से बच सकते हैं। सभी ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए ये जानना सबसे जरूरी है कि आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये डिटेल्स गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका रिजल्ट काफी बुरा हो सकता है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नए डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं जिसका बैलेंस आप मिनिमम रख सकते हैं ताकि कार्ड खो जाने पर भी नुकसान कम से कम हो। आप ऐसे क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं जिसकी क्रेडिट लिमिट कम से कम हो। आप वर्चुअल क्रेडिट कार्ड फीचर का भी यूज कर सकते हैं जो ज्यादातर बैंक आज ऑफर करते हैं। और अगर आप पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कैश ऑन डिलीवरी COD का ही ऑप्शन चूज करें। अगर आपके पास मैसेज आता है कि आप बने हैं हमारे लकी कस्टमर और आपको मिला है मौका 15,000 में iPhone 12 Pro खरीदने का तो आप क्या करेंगे? अगर कहीं आपको ऐसी कोई डील मिले जो आपको एकदम अनबिलीवेबल लगे तो वहां आपको सावधान होने की जरूरत है क्योंकि ये आपको लालच देकर फंसाने का कोई चाल हो सकता है। फेस्टिव सीजन में ऑफर्स और डील्स का मिलना बहुत ही आम बात है, लेकिन ऐसे में आपको मिलने वाली डील्स के रियलिस्टिक होने की पहचान करना आना चाहिए। तो ऐसी वेबसाइट्स पर विजिट करने या शॉपिंग करने से पहले आपको उस वेबसाइट के URL को देखना होगा। अगर वेबसाइट के URL में HTTPS होता है या फिर आपके ब्राउजर में URL के पास सिक्योर लिखा आता है तो वो वेबसाइट सिक्योर मानी जाती है, वहाँ आपके कार्ड का गलत यूज नहीं होगा। किसी नई वेबसाइट पर शॉपिंग से पहले उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर लें और फ़ोन नंबर हो तो फ़ोन करके बात कर लें कि वो रियल पर्सन है या फेक वेबसाइट। इसके अलावा गूगल मैप पर उसका एड्रेस डालकर चेक कर लें कि उसका ऑफिस या शॉप है या नहीं। गूगल मैप्स पर मोस्टली लिस्टिंग्स प्री वेरीफाइड होती हैं। ब्राउजर सैंडबॉक्स, वेब फिल्टरिंग, फिशिंग प्रोटेक्शन जैसी कई सेटिंग्स हैं जो सभी तरह के ऑनलाइन शॉपिंग थ्रेट से प्रोटेक्ट करती हैं। इसीलिए हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। इसके अलावा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को भी अपडेट रखें। एडिशनल टिप्स, जब आप पब्लिक वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड हो तब शॉपिंग ना करें। किसी भी वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके रिव्यूज जरूर पढ़ें। शॉपिंग करने से पहले ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ें। जब आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ें। ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम पेमेंट के लिए OTP पासवर्ड का यूज करें। आपके इनबॉक्स में किसी भी अननोन सेंडर से आने वाले प्रोडक्ट्स या लिंक पर क्लिक ना करें। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप सेफ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।